नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने सरेआम अजय पंडित को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार डाला, लेकिन लिबरल गैंग्स के गलियारे में अभी भी सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी ने हाथ में तख्ती लेकर नहीं कहा कि आई एम अशेम्ड, आई एम इंडिया, लेकिन देश से जुड़े हर मुद्दे पर बेखौफ बोलने वाली कंगना रनौत ने इस बार अजय पंडित के लिए आवाज उठाई। जब खान मार्केट गैंग, लिबरल्स की लॉबी और बॉलीवुड के सेक्युलर कलाकारों के गलियारे में शांति का सन्नाटा है, तो ऐसे में कंगना रनौत ने खुद ही अजय पंडित के लिए पीएम मोदी से इंसाफ मांगा और हाथ में मोमबत्ती प्लेकार्ड लेकर सड़कों पर उतरने वाले बॉलीवुड कलाकारों को जमकर लताड़ा। एक वीडियो में कंगना रनौत ने कहा, बॉलीवुड के लोग हाथों में मोमबत्ती लेकर कार्ड्स लेकर निकल पड़ते हैं सड़कों पर, लेकिन उनका एजेंडा जिहादी होता है। वैसे ये लोग तब तक सामने नहीं आते जब तक कोई एजेंडा ना हो। हम अक्सर देखते आए हैं, जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी ये मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। वीडियो में कंगना रनौत अजय पंडित की हत्या का मुद्दा उठाते हुए कश्मीर में इस्लाम के इतिहास का भी जिक्र किया। साथ ही पीएम मोदी से कश्मीरी पंडितों को कश्मीर वापस भेजे जाने की गुजारिश की। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहाँ जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी इस पर पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर कर नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहाँ का जो राजा था सुखदेव, उसके वहाँ उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली और जैसे ही भी है वहाँ पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहाँ खून की नदियाँ बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। जिस अजय पंडित के लिए कंगना रनौत आवाज उठा रही है, वो कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ ही सरपंच भी थे। हाल ही में हथियारबंद आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के लाकीपुरा के लुकभावन गांव में अजय पंडित की सोमवार 8 जून को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली।